हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, जब से 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है, चाहे हम बात करें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की या फिर चाहे हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, तो तब से 12th बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रिजल्ट का इंतजार है। सो दोस्तों, एक बड़ी ही अपडेट निकल के आ रही है जिससे रिजल्ट की जो तारीख है उसका पता चल सकता है। तो क्या है वो बड़ी अपडेट, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों उसी न्यूज की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों उसी खबर की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, July 13, 2021 बिग अपडेट, 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान होगा इस तारीख तक। जिस तरह के 12वीं जमात की परीक्षावां इस बार भी कोविड महामारी के कारण रद्द की गई सन, हुण बच्चों नूं बड़ी ही बेसब्री नाल नतीजों का इंतजार है। कोर्ट पहला ही कह चुका है कि किसी भी हाल विच नतीजों नूं 31 जुलाई तो पहला घोषित किया जाए। इसलिए सूत्रों के हवाले तो यह खबर निकल के आ रही है कि CBSE अपनी 10वीं के विद्यार्थियों का नतीजा 20 जुलाई तक कढ सकता है और नाल ही 12वीं का नतीजा 30 जुलाई तक कढ सकता है। सो दोस्तों, CBSE स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बड़ी ही अपडेट निकल के आ रही है कि जो 10th के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है वो 20 जुलाई को आ सकता है, और अगर हम बात करें 12th स्टूडेंट्स की तो 30 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड कोई अपडेट निकल के आ रही है? तो देखिए दोस्तों, नीचे जैसे ही मैं करता हूं तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड भी अपडेट निकल के आ रही है। पढ़ाई में है डाउट तो सोल्यूशन है डाउट नॉट। आपको सिर्फ करना क्या है, फोटो खींचनी है, क्रॉप करना, वो वीडियो सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी अदर बोर्ड से रिलेटेड हो। इसी के साथ ही क्लास 6 से 12 तक के IIT JEE मेंस के जो सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस है वो भी आपको मिल जाएंगी इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। सो अब इंस्टॉल कीजिएगा डाउट नॉट एप्लीकेशन को। बाकी अगर गल करिए पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की, तो सूत्रों के हवाले तो यह कहा जा रहा है कि 12वीं का नतीजा 25 जुलाई नूं पेश किया जा सकता है। सो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि है 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेके। कि अगर हम बात करें CBSE की, तो CBSE का जो रिजल्ट है वो 10th का तो 20 जुलाई को डिक्लेयर किया जा सकता है और 30 जुलाई को 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, अब यही देखना होगा कि ये जो न्यूज निकल के आ रही है इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कोर्ट भी ये कह चुका है कि 31 जुलाई से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना ही होगा।